बसमरिम असल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर जैसा कि आपको पता है कि सबक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं उनकी जो एक्सरसाइजिज़ हैं वो हमने करनी है तो उस दिन हमने मनाकबि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की की थी कसर इंत सवाल की मश्क आज हम तश्ील पाकिस्तान जो आपका सबक है उसकी जो मारूजी है उसकी ए, करेंगे तो इसमें ये होता है कि आपको एक सवाल जो मुखस सवाल होते हैं उसके सामने चार ऑप्शन जो हैं वो दिए होते हैं उसमें से जो दुरुस्त जवाब होता है वो आपने लिखना होता है सबक तश्ील पाकिस्तान के मुसनफ़ का नाम है मौलवी हक मोहम्मद हुसैन आज़ाद मियाँ बशीर अहमद शिबली नुमानी तो चूँकि मियाँ बशीर अहमद जो है वो तश्ील पाकिस्तान के मुसनफ़ हैं इसलिए इसका जीम जवाब जो है वो दुरुस्त होगा दूसरा है अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए सत्रह सौ में अठारह सौ में अठारह सौ तीन में अठारह सौ पचासी में तो इसका जीम जवाब जो है वो दुरुस्त है मुसलमानों के सियासी तन्ज़ुल की तकमील हुई सतरवीं सदी में अठारहवीं सदी में उन्नीसवीं सदी में बीसवीं सदी में तो इसका जीम जवाब जो है वो दुरुस्त है सैद अहमद बरेलवी मजहबी माशरती ख़राबियों को दूर करने का जमाना ग्यारह सौ इक्यासी से लेकर अठारह सौ अट्ठाईस तक अठारह सौ तेरह से उन्नीस सौ अठारह सौ तीस तक और ये अठारह सौ पंद्रह से अठारह सौ इकतीस तक अठारह सौ सो सोलह से अठारह सौ इकतीस तक तो इसमें दाल जो है इसका जवाब 1816 से अठारह तक ये इसका दुरुस्त है सैयद अहमद बरेलवी शहीद हुए 1830 में 1840 में 1831 में अठारह में इसका जीम जवाब जो वो दुरुस्त है अठारह में शहीद हुए थे सैयद अहमद बरेलवी शहीद हुए लाहौर में पिशावर में रावला कोट में या बालाकोट में इसका दाल जवाब जो आप वो है वो दुरुस्त है बालाकोट जो है वो लिखेंगे अलीगढ़ कॉलेज का अफ्ताह कब हुआ अठारह में अठारह में अठारह में और 1906 में तो इसका जो है वो बे जवाब दुरुस्त है अठारह में पहले अलीगढ़ स्कूल बना था उसके बाद अठारह सत्तर में अलीगढ़ कॉलेज का अफ्ताह हुआ था फ़ारसी ज़ुबान दफ्तरी दफ्तरों से ख़ारिज हुई अठारह सौ सत्रह में अठारह सौ सत्ताईस में अठारह सौ सैंतीस में और अठारह सौ सत्ताईस में तो ये इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है जीम अठारह सौ सैंतीस में अब हिंदुस्तान का बतौर एक कौम साथ चलना मुहाल है ये अल्फाज सबसे पहले किसने फरमाए थे अब हिंदुस्तान का एक साथ चलना ये सबसे पहले सरसद अहमद खान ने अलीफ जवाब इसका दुरुस्त है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुई थी अट्ठारह सौ पचासी में उन्नीस सौ में उन्नीस में या 1916 सो में तो इसका अलिव जवाब जो, जो है वो दुरुस्त है अठारह में जो है वो कायम हुई थी तो लिहाजा इसका अलिव जवाब जो, जो है वो दुरुस्त है सर सद अहमद ख़ान ने वफात पाई इसका बे जवाब जो, जो है वो दुरुस्त है अठारह में मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में आया इसका दाल जवाब जो, जो है वो दुरुस्त है उन्नीस सौ छः में जो है वो मुस्लिम लीग कायम हुई थी अलामा शिबली नुमानी ने कायम किया था कौन सा इदारा कायम किया था निद्वातमा दारूम अलीगढ़ कॉलेज अंजमन हमायत इस्लाम तो इसका अलि जवाब जो, जो है वो दुरुस्त है निद्वातलमा लखनऊ में सैयद अहमद बरेलवी ने सिखों के ख़िलाफ़ मजहबी जहाद किया था इसका दुरुस्त जवाब जवाब जो है वो बे है 1816 में सर सैद की मनादी पर लाहौर में मुसलमानों ने कौन सा इदारा जो है वो कायम किया था अंजमन हमायत इस्लाम अंजमन तरक्की उर्दू एडी सेंटर तो इसका अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है अठारह में किस शहर में हिंदुओं ने उर्दू की जगह भाषा जुबान करने की कोशिश की थी इसका अलिफ जवाब जो है बनारस बे जो है वो दिल्ली जी मुंबई और दाल कलकत्ता इसका दुरुस्त जवाब जो जुआ है वो बनारस है सर सैद को कब यकीन हुआ कि अब हिंदू मुसलमानों का बतौर एक कौम साथ चलना मुहाल है अठारह सौ सतावन में अठारह सौ सड़सठ में अठारह सौ सत्तर में और अठारह सौ सतर में तो इसका जवाब जो है वो दुरुस्त है हमीतलामा जमीयतलमा की संगामा खेस साल में बनी थी 1906 में 1919 में 1930 में 1800-1936 में ये चार आपके पास इसकी ऑप्शंस हैं इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो आपका बे है मजलिस अहरार कब कायम हुई थी 1919 में 1930 में 1929 में या 1840 में इसका जीम जवाब जो है वो दुरुस्त है अठारह सौ उनतीस में उन्नीस सौ में किस जमात की हुकूमत कायम हुई थी इसकी ऑप्शन जो है वो देखते हैं मजलिस एहरार है उलमा है मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है तो इसका बे जवाब जो है वो दुरुस्त है इसको बे पे लगाएंगे इसी तरीके से मुसलमानों का नसबुल क्या है इसका अलिफ जवाब दुरुस्त है खिलाफत है कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलाई थी इसका अलिफ जवाब दुरुस्त है 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज हुआ 1935 में दाल जवाब इसका दुरुस्त है इलामा इकबाल की तालीमत का नचोड़ जो है वो फ़लसफ़ा खुदी है जीम जवाब इसका दुरुस्त है मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से किसने रोका था इसका जो है वो जीम जवाब दुरुस्त है सरसीद अहमद ख़ान ने रिसाला इसबाब बगावत हिंद किस की मशहूर तसनीफ़ है इसमें यह भी सरसद अहमद ख़ान है दाल जवाब दुरुस्त है जामिया उस्मानिया का इदारा कायम हुआ हैदराबाद तक्कन में बेजवाब इसका दुरुस्त है नेक्स्ट है सर सद अहमद बरेलवी ने 1826 में किस के ख़िलाफ़ जिहाद की मुहिम शुरू की थी सिखों के ख़िलाफ़ बेजवाब इसका दुरुस्त है फ्राज़ी तहरीक किस इलाके में चलाई गई थी बहार में जीम जवाब इसका दुरुस्त है सरसद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया था इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है अखलाक है अवध पंच है अखलाक था इसका अलिव जवाब जो है वो दुरुस्त है सर सद अहमद ख़ान ने किस साल में ऑल इंडिया मोहमदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है वो डाली थी इसका अठारह सौ छियासी में अलि जवाब दुरुस्त है मौलाना हाली की मशहूर नज़म है मदोज़र इस्लाम तो इसका जो है वो जीम दाल सॉरी दाल है मदुलजर इस्लाम या मुसद से हाली दाल है इसका दाल जो है वो दुरुस्त होगा शिबली नुमानी की किताबों का मौजू है तारीख़ इस्लाम जीम जो है वह इसका दुरुस्त होगा मजहबीमा ने कदीम तर्स की दरसगा कायम की थी देवबंद में दाल जवाब दुरुस्त है अलामा इकबाल ने किस किताब के मताले पर जोर दिया कुरान मजीद बेजवाब दुरुस्त है अलीगढ़ कॉलेज ने यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया 1920 में तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ हिंदुओं ने तहरीक कब शुरू की थी 1905 में इसका जीम जवाब जो है वो दुरुस्त है तकसीम बंगाल की तनसीख़ कब हुई थी 1911 में बेजवाब इसका दुरुस्त है जंग बलकान और त्राबलस कब हुई थी इसका भी बेजवाब जो है वो दुरुस्त है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट सबक का कल करेंगे